हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल आपको पता है कि चारों तरफ लॉकडाउन है और बाजार से कोई चीज मिल नहीं रही, तो ऐसे में अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसके लिए आज मैं एक ऐसे लड्डू की रेसिपी बनाना बताऊंगी जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाएंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और सिर्फ ये 2 चीजों से ही बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिए मैंने रोस्टेड चना दाल। ये दाल बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इसे हम चटनी बनाने में भी यूज करते हैं। और ये लिया मैंने कंडेंस मिल्क। तो सबसे पहले हम इस दाल को पीस लेंगे। दाल को मैंने पीस लिया, पीस के छान लिया और ये जो इसका मोटा मोटा पार्ट रह गया है इसे भी मैं दोबारा से एक बार ग्राइंडर में डाल के चला दूंगी और इसे दोबारा से छान लूंगी। तो ऐसे करके हम अपनी दाल को पीस लेंगे। गैस पे रख लिया और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच घी। आप देख रहे हैं बिल्कुल जरा सा मैं इसमें घी डालूंगी। आप ये बिना घी के भी बना सकते हैं तो ये बहुत हेल्दी भी होगा ये लड्डू। और इसमें ये जो दाल हमने पीस के रख ली थी छान कर उसे डाल देंगे। तो सिर्फ 2 चीजों से और 5 मिनट में बनने वाले लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इस दाल को हम कर लेंगे थोड़ा, इस किसी भी दाल को हम कर लेंगे थोड़ा सा गर्म चलाते हुए। ये पहले से ही भुनी हुई है तो इसे हमें भूनने में उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, हमें सिर्फ इसको 1.5-2 मिनट तक ऐसे ही गर्म करना है। मिनट हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसे मलाई और थोड़ा सा इसमें पिसी हुई शुगर डाल के भी इस लड्डू को बना सकते हैं, तो ये उससे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे अच्छे से कर लूंगी मिक्स। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से हाथ से मसल कर मिक्स कर लिया है। तो ये लड्डू का जो डो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बिना बिल्कुल घी के और ज्यादा मेहनत के लड्डू बनकर तैयार है। तो अगर आपका मीठा खाने का मन हो रहा हो इस लॉकडाउन में तो इस तरह के लड्डू बनाइए, हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी है। अब मैं इसके बना लूंगी लड्डू। थोड़ा सा मैं लगाऊंगी हाथ में चिकना, थोड़ा सा मैंने लगा दिया घी और इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। आप छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे लड्डू बना सकते हैं और ये बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसे चीनी और मलाई के साथ भी बना सकते हैं। तो देख रहे हैं आप ये कितने इजीली बनते हैं और कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं बिल्कुल गोल गोल। तो 5 मिनट में हमारे रोस्टेड चना दाल के लड्डू बनकर तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप देख भी रहे हैं, आप इसे किसी ड्राई फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही आसान से तरीके से बनाया, तो आप देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगर मीठा खाने का मन हो रहा है तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये लड्डू बनाइए और खाइए और खिलाइए, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।